अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आयशा। आज मैं आपको आलू के बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी कबाब बनाना सिखा रही हूँ, वो भी मेरे स्टाइल में। चलें फिर इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। चार अदद उबले हुए आलू, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 चुटकी हल्दी, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टेबलस्पून धनिया जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था, चंद अदद पुदीने के पत्ते लिए थे मैंने जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और कद्दूकस किया हुआ प्याज। चले फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इन आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिए। अब मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स बारी बारी इन आलूओं में शामिल कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं इन आलूओं में ये चावलों का आटा शामिल कर रही हूँ। फिर मैं इनमें ये सारे लाल मिर्चे, नमक, चाट मसाला, ज़ीरा, हल्दी शामिल कर रही हूँ, और फिर मैं इनमें धनिया, पुदीना और प्याज भी शामिल कर लेती हूँ। मैंने इन आलूओं में ये सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लिए हैं। मैं इन आलूओं को इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। फिर मैं इनके कबाब बना लूँगी। मैंने इन आलूओं को इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इनके कबाब बना लेती हूँ। मैंने मैश किए हुए आलूओं के कबाब बना लिए हैं, अब मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। मैंने तवे पे इस आयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब मैं ये आलू के कबाब बारी बारी इस पर फ्राई कर लेती हूँ। क्रिस्पी और टेस्टी आलू के कबाब तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।